सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलि व सहाबी वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा जो मौजू है वो है यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड भी आज के दौर में कसरत के साथ फैल रहा है। तो यूरिक एसिड को तिब यूनानी में नक्रस कहते हैं और तिब जदीद में गाउट कहते हैं, और इसका जो तेजाबी मादा है वो पेशाब और खून में पाया जाता है। तो इसके फैलने की कई वजूहात हैं। कसरत से बादी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे चावल, भिंडी तोरी, अरवी, आलू, गोश्त और पालक, इन चीज़ों में कसरत के साथ यूरिक एसिड पाया जाता है। अगर इन चीज़ों को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खून में ये तेजाबी मादा बढ़ जाएगा, तो फिर इससे मुख्तलिफ किस्म की अलामात पैदा हो जाती हैं, जैसा कि इसकी इब्तदा एड़ी से शुरू होती है और पाँव के अंगूठे और उंगलियों से इसकी इब्तदा होती है। इन छोटे जोड़ों में वर्म पैदा हो जाता है, फिर बाद में दर्द और सोजश हो जाती है, और यही दर्द आगे बढ़ती चली जाती है, फिर उंगलियों, हाथों की उंगलियों और अंगूठों में इसका दर्द महसूस होने लगता है, फिर वहाँ सोजश हो जाती है। तो इसी तरह पूरे जिस्म में जहाँ कहीं भी जोड़ हैं इसकी अलामात बढ़ जाती हैं। तो इसके जब ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इसका गुर्दों पर भी असर होता है, गुर्दों में सोजश आ जाती है और अपना पूरा वो वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से गुर्दा के अंदर पथरियां यूरिक एसिड से बन जाती हैं, तो फिर उनका उनके मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इस लिहाज से यूरिक एसिड को हर सूरत में इससे बचाव के लिए परहेज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि असल में ये मादा मैदा से पैदा होता है, तेजाबियत बढ़ जाती है, बद हज़मी, जलन जब शुरू हो जाए तो मलूम कर लेना चाहिए कि अब हमें मज़ीद पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मैदा की इसलाह करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके साथ साथ परहेज़ इसका असल इलाज है। अगर हम इसके इलाज की तरफ जाएं तो जदीद तहकीक के अंदर इसका टेस्ट भी है और पता चल जाता है कि औरतों के अंदर इसकी मकदार 5.7 मिलीग्राम तक होती है और मर्दों के अंदर 7 तक होती है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मरीज़ को समझ लेना चाहिए कि मुझे ये यूरिक एसिड का मसला है, तो इसका फिर जल्द इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और परहेज़ इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितना भी इलाज हो रहा है वो पेन को रोकने के लिए है, असल में इसका ये सही इलाज नहीं हो रहा। असल इसका अगर हम इलाज करना चाहते हैं तो
जो जिस्म में ये तेजाबी मादा बढ़ चुका है और जिन चीज़ों से ये बढ़ता है उन चीज़ों से परहेज़ किया जाए और वो चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ जिनसे फ़ायदा होता है, जैसे कद्दू है, टेंडे तोरी है, शलजम है, तो इस किस्म की ग़ज़ाएँ, ये मछली का गोश्त है, ये इसमें यूरिक एसिड कम मकदार में पाया जाता है, तो ये फ़ायदेमंद चीज़ें, बाकी जितनी भी यूरिक एसिड वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ किया जाए। और इसके साथ साथ हम एक नुस्खा भी खिदमत और भलाई के लिए पेश करते हैं, उनको उसको इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह यूरिक एसिड से मुकम्मल निजात मिल सकती है। इसमें नुस्खा में जो अज़ा हैं वो सुरंजा शीरी, दो तोला अजवाइन देसी, दो तोला असगंध नगौरी, दो तोला और सना मक्की, दो तोला गुल सुरख, दो तोला कुश्त शीरी, दो तोला, इन सब चीज़ों का सफूफ बना लें और दरमियाना साइज़ कैप्सूल में भर लें, या ये जो कवार गंदल जिसको हम गुआर फड़ा भी कहते हैं उसके पानी में हबूब बना लें, सुबह शाम एक बोरी इस्तेमाल करें, या कैप्सूल में भर कर एक कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इससे मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाए। दुआ अल्लाह पाक हमें हर किस्म की ख़तरनाक बीमारी से महफूज फरमाए।